आजकल कुछ भी नहीं है भाई। ये मौसी में जितने भी घरे जा रहे हैं उसका सर्वे करो बोले थे, उसका सर्वे करे थे। और जितना बफर में आ रहे, जितना नदी के अंदर है, वो अलग अलग सर्वे करे, अलग अलग लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाने के जो है। और नदी के अंदर जितने भी आ रहे उसमें वो कम से कम 527 कुछ आइडेंटिफाई करे, हमारे को लिस्ट दिए थे। उसमें जो है 170 जो है आसिफ नगर के, और बाकी का जो है भद्रपुरा मंडल के छे। और ये 527 जितने भी है वो लोगों को जो है जंगमेट में डबल बेडरूम देने के बाद ही वो लोगों का डिमोलिश करेंगे, वहाँ से शिफ्ट करेंगे। और पहले जो है जितने भी लोग जो विलिंगनेस दिए, वो विलिंगनेस जो भी दे रहे वो लोगों को कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लॉटरी वो लोग से आज से ही निकालने लगा रहे। और निकाल के जो है इसमें जो ब्लॉक के अंदर जो फ्लैट के अंदर उनको जो मिलती लॉटरी निकालता, वही सर्टिफिकेट उनको दे के जो है इमीडिएट वहाँ शिफ्ट कर देते। सो हमारे को गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है, कलेक्टर साहब से इंस्ट्रक्शन है, और हमारे ऊपर भी यहाँ पर जो भी बैठे ये डिप्टी कलेक्टर्स भी हमारे ऊपर सुपरवाइज करने के लिए यहाँ पर डाले, वो लोग भी साहब का भी एडवाइस रहता हमारे को। और हमारा 5 टीम्स है, 5 तहसीलदार और 5 सर्वेयर वगैरह हैं। और कल से हम लोग शुरू करें, शिप करें, तो जो भी विलिंग है वो लोगों को शिप करें, बाकी का जो है बाद में डिसीजन लेते हैं। बस जिस जो जो ओनर होंगे उनके लिए डबल बेडरूम क्या से वो करेंगे, जी जो रेंटल है उनका, रेंटल का तो नहीं है ना, नदी के अंदर जाके रेंट को। और ये मस्जिद है, मंदिरों का भी, मस्जिद मंदिर ग्रेवयार्ड उसको कुछ भी हम लोग टच नहीं करें। चर्च नहीं, उसको भी कुछ भी, जो ऑल रिलीजियस स्ट्रक्चर जो भी है उसको टच नहीं करना बोले, और उसको कुछ भी टच नहीं कर रहे, टच नहीं करें। नहीं तो अभी अभी तोड़ने का भी कुछ नहीं, अभी खाली मार्क डाले, मार्किंग करे जो जो नदी के अंदर आ रहा वो घर को जो है मार्किंग करो बोले, वो मार्किंग करे। और उसमें जो भी बिल्डिंग है वो लोगों को जो है लॉटरी के तहत हम लोग वो लोगों को लॉटरी निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो उनको फलाना ब्लॉक के अंदर फलाना फ्लैट नंबर पे मेयर को अगर मिला तो उनको वही सर्टिफिकेट के ऊपर वही लिख के जो है उनको दे देते, और उनको हम लोग ही शिफ्ट करते गाड़ी लगा के जो है उनका सामान के साथ हम लोग डबल बेडरूम तक भी शिफ्ट करते, वहाँ डबल बेडरूम बताते और उनको अंदर भी बिठाते, उसके बाद ही डिसीजन लेते। वो गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स भी दे रहे। गवर्नमेंट अपने साथ यानी गाड़ी लगा के, गवर्नमेंट हम लोग गाड़ी लगा के उनका सामान भी हम लोग ही पकड़ के गाड़ी पे बिठा के वो लोग के वे गाड़ी पे बिठा के डबल बेडरूम जहाँ पर भी है वह जंगमेंट वही लेके जाते। और ये लॉटरी जो यहीं पर निकाले ना वही फ्लैट वहाँ पर हमारे आदमी लगाएंगे, वो आदमी जो है वो फ्लैट के अंदर लेके जाएंगे, वो फ्लैट भी दे, जैसा कि कल वो मेडचल डिस्ट्रिक्ट वाले जो ना उधर खड़े ना वैसे हम भी करें। वैसे बहादुरपुरा में कितने घर है सर, कितने मकान है बहादुरपुरा में? 375 सब कुछ है बहादुरपुरा में, जी 75 नहीं पूरा मिला के उधर 173 जी। पेटला बुर्ज का नहीं है, पेटला बुर्ज का अलग है, बोलता बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और बहादुरपुरा मंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वैसा हर एक मंडल में सर्वे चल रहा, हर एक का अलग अलग रहता, एक एक मंडल को एक एक जगह पे डबल बेडरूम दे रहे। और जैसा आप जो पेटला बुर्ज बोले उसके लेफ्ट साइड पुराने पुल के और उस तरफ जो है नामपल्ली मंडल लगती है, वो नामपल्ली वाले अलग देख रहे। यस थैंक यू।